सूरज ने मुखड़ा दिखाया तो दर्जा हरारत बदतदरीज बढ़ने लगा। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। आज भी शहर में तेज धूप से गर्मी का एहसास रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं। स्मोक के रोक ने लाहौर की फिजा को गहना दिया। फिजाई आलूदगी के बायस शहरियों का सांस लेना भी मुहाल। बागों का शहर आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर बराजमान। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुबतला होने लगे। तिबी माहरीन का एहतियाती तदाबीर पर अमल पहरा रहने का मशवरा। बिल आएंगे पहले से भी भारी, आवाम कर ले तैयारी। बिजली पानी 5 रुपए फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सार्फिन पर मजीद 40 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। फरवरी में 6 अरब 87 करोड़ 60 लाख यूनिट बिजली फरोख्त हुई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेप्रा में दरख्वास्त जमा करवा दी। लेस्को जायद बिलिंग से सारिफिन का खून निचोड़ने लगा। रवा माह भी रीडिंग शेड्यूल पर अमल दरामद ना हो सका। मुख्तलिफ डिवीजंस में हर माह ओवर बिलिंग और एडवांस बिलिंग का सिलसिला जारी। सारिफिन बिल ठीक कराने के लिए दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर। आवाम होशियार, खबरदार, गैस बम फिर गिरने को तैयार। सुई सदर ने गैस 324 रुपए फी MMBTU बढ़ाने की इजाजत मांग ली। ओखरा 25 मार्च को लाहौर में दरखास्त पर समाप्त करेगा। होशियार, खबरदार, IMF की शराइत पर इजाफी टैक्सेस तैयार। आइंदा साल पंजाब के अवाम पर 300 अरब रुपए से जायद का बोझ डाला जाएगा। तालीम, सेहत और सोशल वेलफेयर के तरक्याती फंड्स की कटौती का भी खदशा। मालियाती इदारे की हिदायत पर 336 अरब रुपए की अदायगी के लिए सूबाई महकमों के अखराजात से कटौती की जाएगी। मॉडल बाजार महंगाई की धूप में रिलीफ का सामान। पंजाब हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए मुतहरिक। मॉडल बाजारों में 51 फेयर प्राइस शॉप कायम। बाजार में अशिया होलसेल मार्केट से भी 25% कम रेट पर दस्तयाब। खातीन और बुजुर्ग शहरियों के लिए अलग अलग काउंटर्स कायम किए गए। गिरा फरोशी की रोकथाम कमीशन, चीफ सेक्रेटरी का गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान की जेर सदारत इजलास हुआ। रमजान निगहबान पैकेज की फराहमी और प्राइस कंट्रोल इकदाम का जायजा लिया। घर की दहलीज पर रमजान पैकेज की फराहमी कमीशन। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा के मुताबिक लाहौर डिवीजन में अब तक 5,21,000 राशन बैग तकसीम किए जा चुके हैं। मुकम्मल तस्दीक के बाद घर की दहलीज पर वसूल करा के डेटा जमा किया जा रहा है। माह सयाम में मिलावट और जलसाज माफिया फूड अथॉरिटी के रेडार पर मीट सेफ्टी टीमों का टोलेंटन मार्केट में ऑपरेशन किया गया। 56 गोश्त की दुकानों और गोदामों की चेकिंग की गई। एक फूड पॉइंट बंद। 16 को 3,45,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल। सैयद मोहसिन रजा नकवी, तलाल चौधरी और उमर सरफराज चीमा समेत मुतादिद उम्मीदवारों के कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल। गुज़श्ता रोज 14 उम्मीदवारों ने कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल करवाई। इलेक्शन कमीशन ने जुल्फी बुखारी और सनम जावेद के कागजात नामजदगी पर एतराजात आयद कर दिए। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जुल्फी बुखारी दोहरी शहरियत के हामिल हैं, इलेक्शन के लिए अहल नहीं। सनम जावेद का वालिद के साथ ज्वाइंट अकाउंटेंट है। इलेक्शन कानून के तहत ज्वाइंट अकाउंट रखने वाला उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ सकता। सेनेट इलेक्शन कागजात नामजदगी पर फैसलों के खिलाफ अपीलों के लिए 5 इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल्स तश्कील। पंजाब में जस्टिस शाहिद करीम ट्रिब्यूनल के सरबरा मुकर्रर। कागजात मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें 21 मार्च तक दायर की जा सकती हैं। कायद मुस्लिम इग्नून नवाज शरीफ माह सयाम का आखिरी अशरा
सऊदी अरब गुजारेंगे। मरियम नवाज, हसन और हुसैन नवाज भी हमरा होंगे। शहबाज शरीफ का भी आखिरी अशरा सऊदी अरब में गुजारने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक उम्रे के बाद नवाज शरीफ लंदन चले जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का तीसरा इजलास साल 2023-24 के सालाना और ज़मीनी बजट की मंजूरी की तौसीक की। 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स की फराहमी के प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के डियाला जेल में ट्रायल की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब से ईरानी कौंसल जनरल की भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी तआवुन बढ़ाने पर जोर दिया गया। पंजाब में तलबा को 20,000 बाइक्स देंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिताब। कहा कि राइडर्स के लिए महफूज सफर नहायत ज़रूरी है। लेबर डिपार्टमेंट सेफ्टी के मामले पर सख्ती से अमल दरामद कराई। अवाम का तहफ्फुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। पंजाब राइडर सेफ्टी इनिशिएटिव मुहिम की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला मरियम नवाज की खसूस शिरकत। फूड पांडा और महकमा मेहनत और अफरादी क़ुव्वत के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। डी जी लेबर वेलफेयर कलसुम और फूड पांडा के डायरेक्टर ने MOU पर दस्तखत किए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फूड पांडा TCS बाइकिया के राइडर्स को सेफ्टी किट्स तकसीम की। सूबाई वजीर चौधरी शाफे हुसैन का पंजाब इन्वेस्टमेंट बोर्ड का दौरा किया गया। CEO जलाल हसन की इदारा की कारकर्दगी और तंजीमी ढांचे बारे ब्रीफिंग दी। चौधरी शाफे हुसैन ने कहा सोलर पैनल बनाने वाली फैक्ट्रियों को पाकिस्तान में प्लांट लगाने की दावत दी जाए। फैक्ट्रियां इंडस्ट्रियल जोन में कायम की जाएंगी जहां पर 10 साल तक टैक्स फ्री होगा। ज़ीशान आशिक मलिक वज़ीर आला पंजाब के मुआवन खसूसी बराए सियासी अमूर मुकर्रर। ज़ीशान मलिक मरियम नवाज के सियासी अमूर के मशीर भी रह चुके हैं। साइमा फारूक वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात। ऐवान वज़ीर आला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली के लिए मलिक अहमद के नाम का ऐलान। चेयरमैन सुन्नी इतिहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा कहते हैं मलिक अहमद खान की नामजदगी आरजी तौर पर की जाएगी। मियां असलम इकबाल के हल्फ उठाने के बाद इन्हें अपोजिशन लीडर बनाया जाएगा। मुइन रियाज कुरैशी को डिप्टी अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया गया। सूबाई वज़राए सेहत ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास। ट्रांसजेंडर्स को सरकारी हस्पतालों में तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दामात का जायजा लिया। ASP शहरबानो नकवी समेत अफसरों ने ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़रा ने कहा कि सेहत कार्ड में ट्रांसजेंडर्स को खसूसी सहूलत फराहम की जाएगी। सूबाई वजीर इंसानी हकूक ताहिर खलील सिंधु की ब्रिटिश हाई कमीशन के वक्त से मुलाकात हुई। बाहमी मफाद के मनसूबों के फिरोग पर तबादला ख्याल किया। सूबाई वजीर ने वक्त को हुकूमती सतह पर तमाम मनसूबों के हवाले से मुकम्मल तआवुन की यकीन दहानी कराई। अफसरान की आशीर्वाद क्या वजह कुछ और। IG का मरासला भी किसी काम न आया। कानून के रखवाले खुद को कानून से मुबर्रा समझने लगे। ASIs और SIs एक ही जगह 5 साल से ज्यादा अरसा से तैनात। CP ऑफिस ने 7 रोज में तफसीलात तलब कर ली। घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद का सिलसिला न थम सका। चाइना स्कीम में मियां बीवी का मुलाजमा पर बदतरीन तशद्दुद। बच्ची के आधे सर के बाल भी काट दिए। 8 साल अरीबा 6 माह से मुलजिम रईस के घर काम कर रही थी। लाहौर की खबर पर चेयरमैन CPB सारा अहमद का नोटिस। टीम को तशद्दुद का शिकार कम सिन घरेलू मुलाजमा और लवाहकिन से रबता करने की हिदायत कर दी गई। कहा तशद्दुद का शिकार बच्ची को इंसाफ फराहम किया जाएगा। लाहौर रंग बना मजलूम बच्ची की आवाज़। DIG ऑपरेशंस का 8 साल घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद की चलने वाली खबर का नोटिस। DSP गुजरपुरा सुहेल कासमी की सरबराही में टीम ने मुलजिम राइस और इसकी बीवी हिना राइस को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज, मजीद तहकीकात जारी। अमीर बालाज कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक शूटर मुजफ्फर मालशिया नहीं 22 साल से तीफी भट्ट का गनमैन था। शूटर मुजफ्फर की गन उठाए तीफी भट्ट के घर के बाहर की तस्वीर लाहौर रंग को मौसूल। तस्वीर में मुजफ्फर तीफी भट्ट के साथ है।
दुबई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का पी आई सी का दौरा, ज़ेर तकमील मॉड्यूलर थिएटर की पेशरफ का जायजा लिया, ठेकेदार को मॉड्यूलर थिएटर का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। उधर महकमा सेहत का मुख्तलिफ तबी इदारों के नए सरबराह तैनात करने का फैसला, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ 20 मार्च को होंगे। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर इंटरव्यूज़ कमेटी के कन्वीनियर मुकर्रर। लाहौर रंग की खबर पर एक्शन, सैकड़ों नर्सिस के साथ एजेंट्स के फ्रॉड पर वजारत ओवरसीज मुतहरिक, जाली दस्तावेजात अपलोड करने वाली कंपनी के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। जाली इंदराज की वजह से सऊदीया में नर्सिस की ऑनलाइन तस्दीक ना हो सकी। FIA एंटी करप्शन सर्कल का अलेस्को के हमरा ऑपरेशन, कहना सब डिविजन में फूड फैक्ट्री पर छापा मारा गया, मीटर की टेम्परिंग पकड़ ली गई। लेस्को टीम ने मीटर को कब्जे में लेकर तकनीकी रिपोर्ट के लिए भेज दिया, मजीद कानूनी कार्रवाई तकनीकी रिपोर्ट की रोशनी में अमल में लाई जाएगी। सदर लाहौर बार एसोसिएशन मुनीर हुसैन भट्टी का वफद के हमरा सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा, वफद की आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात हुई, अदालतों चैम्बर्स की सिक्योरिटी और वकला बरादरी के मसाइल पर तबादला ख्याल किया। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे पर शहर में 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे, डायरेक्टर जनरल एलडीए की जेर सदारत इजलास हुआ, शजरकारी मुहिम का जायजा लिया। ताहरी फारूक ने कहा कि एलडीए प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर शहर भर में पौधे लगेंगे। और शेख एजाज मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट, बैडमिंटन के पहले मैच में मलिक नवीद और कैसर पिया फातह रहे, दूसरे मैच में गौहर नफीस और जहांजेब नज़ीर करार कामयाब करार पाए, तीसरे मैच में राणा इरफान और इमरान राठौर ने फतह समेटी। अदाकारा मेघा ने जूनियर प्लेयर्स में इनामात तकसीम किया।